Today, we will start with chapter Power Sharing of Civics. In this chapter, you will read about Belgium and Sri Lanka, ethnic variation of Belgium, ethnic variation of Sri Lanka. You have done this chapter in the form of subjective question answers, but not this time, only MCQ will come from this chapter. So learn these. Aapko chahiye thorough reading. You have to do thorough reading of this chapter for attempting MCQs. So I'm going to revise this chapter in the form of MCQs because you have done this chapter in the form of subjective, keh sakte ho aap question answers ki form mein have done. So aap busy lagega aapko MCQ karna because paper mein bhi kar chuke ho. So ethnic variation of Belgium. फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है एथनिक वेरिएशन ऑफ बेल्जियम. अब यहाँ पे आपको प्रॉपर डिवीजन पता होनी चाहिए जो कि पेपर में पूछी जानी. कैपिटल ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स. लर्न विच इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम ब्रुसेल्स. ठीक है, एक तो ये याद रहना चाहिए. नेक्स्ट, टू रीजन्स बेल्जियम के, फ्लेमिश एंड वेलोनिया. फ्लेमिश एंड वेलोनिया, वेलोनिया रीजन. Learn these two regions, Wallonia, Flemish. Capital city learn करो. Learn these two regions. अब इधर एक बात हमेशा याद रखो, F के साथ अपनी आना means वो यहाँ आना है. इधर French speaking, उधर Dutch speaking. French speaking, Dutch speaking. ऐसे याद रखो, अब ये गलत नहीं होगा. अगर आपका एफ के साथ एफ आ गया तो आप समझ लेना आपका रॉन्ग है. ठीक है, लर्न लाइक दिस. सबसे पहले तो बेल्जियम, इसकी कैपिटल ब्रुसेल. देन स्मॉल कंट्री ऑफ विच कॉन्टिनेंट, यूरोप. कॉन्टिनेंट देके पूछा जा सकता है कि बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ विच कॉन्टिनेंट, यूरोप. हमारी किस स्टेट के साथ इसको उन्होंने कंपेयर किया हुआ है, हरियाणा. हरियाणा के साथ कंपेयर किया है. यहाँ की जो पॉपुलेशन है दैट इज 1 crore, मीन्स हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा, मीन्स हरियाणा की कितनी होगी, 2 crore. तो उसको उन्होंने हरियाणा के साथ कंपेयर किया हुआ है. देन नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, यू हैव टू लर्न फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लक्जमबर्ग. 4 नेबरिंग कंट्रीज दी हुई हैं, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी, लक्जमबर्ग. जैसे मैं बोलूँ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम, फ्रांस, नीदरलैंड, मैं बोलूँ साथ में ऑस्ट्रेलिया एंड लक्जमबर्ग, विच इज रॉन्ग. तो इस फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं आपको, 4 के 4 देके, 1 पेयर ठीक देके, बाकी 3 गलत देके पूछा जा सकता है, विच इज द करेक्ट. तो यू हैव टू लर्न द 4 countries, 4 neighboring countries. ठीक है, फ्रांस, नीदरलैंड, लक्जमबर्ग, जर्मनी. दीज आर द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम. ब्रुसेल इज द कैपिटल and 2 regions, Flemish and Wallonia. अब कंट्री में एथनिक वेरिएशन जो है दैट इज 59% डच स्पीकिंग इन फ्लेमिश रीजन, 59% एंड 40% फ्रेंच स्पीकिंग इन वेलोनिया रीजन. ऐसे लर्न करो, 40-59, जर्मन 1%, जर्मन स्पीकिंग 1% ओनली. अब हो गया 100, अपने आप देख लो. दिस इज द एथनिक वेरिएशन. वेलोनिया 40% फ्रेंच स्पीकिंग, फ्लेमिश 59% डच स्पीकिंग एंड जर्मन स्पीकिंग ओनली 1%. सो दिस इज अबाउट द एथनिक वेरिएशन ऑफ द कंट्री ऑफ बेल्जियम. बट देयर वाज स्ट्रेंज केस इन कैपिटल सिटी. कैपिटल सिटी मैंने अभी बताई है, ब्रुसेल्स. ब्रुसेल्स में कैसा था, 80% फ्रेंच, यहाँ पे सिन्हालास नहीं है, श्रीलंका, एंड 20% डच. अब आपको अपने आप पता चल रहा होगा इन कंट्री डच वर इन मेजोरिटी, वेयर एज इन कैपिटल सिटी डच वर इन माइनॉरिटी. तो ये तो पता ही चल रहा है, देख के ही पता चल रहा है, इन कंट्री डच वर इन मेजोरिटी, वेयर एज इन कैपिटल सिटी डच वर इन माइनॉरिटी. सो व्हाइल गिविंग पावर्स, बेल्जियन लीडर्स गेव ऑल राइट्स, ऑल द एजुकेशनल फैसिलिटीज टू फ्रेंच स्पीकिंग, बिकॉज फ्रेंच स्पीकिंग इन बेल्जियम वर रिच एंड पावरफुल.
They gave all higher jobs, all the educational facilities to French speaking. This was not tolerated by Dutch speaking, German speaking. So there was tension. Belgian leaders followed the accommodation path. Which path was followed by Belgian leaders? Accommodation path. Learn this path. ये one mark में पूछा जा सकता है. Which path was followed by Belgian leaders? Accommodation or majoritarianism? Accommodation path. They followed accommodation path and they amended their constitution 4 times. 1970 years तो कितनी बार पेपर में पूछ चुके हैं. 1970 to 1993. तो ये amendment of the constitution है. They amended their constitution 4 times. बेल्जियन लीडर्स ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम उसमें अमेंडमेंट की. ईयर्स आपको लर्न रखने हैं. 1972 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स. इसमें एक बात लर्न करनी है. कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज सेट अप. व्हाट डू मीन बाय कम्युनिटी गवर्नमेंट? बेस्ड ऑन लैंग्वेज. बेस्ड ऑन थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज सेट अप इन बेल्जियम. दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड इट वाज बेस्ड ऑन लैंग्वेज. बाकी आपको पता ही है इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज गिवन टू. चाहे वो माइनॉरिटी में थे वो तो सब्जेक्टिव का पार्ट बन जाते हैं ना ये पॉइंट्स. आपको नॉलेज आनती कम्युनिटी गवर्नमेंट का पूछ सकते हैं. थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वाज सेट अप इन बेल्जियम. दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट एंड बेस्ड ऑन लैंग्वेज. सो दिस इज अबाउट बेल्जियम. अब यहाँ पे एक चीज लर्न करनी है आपने बेल्जियम के लिए. Many countries of Europe came together to form European Union. European Union का headquarter क्या बना? Brussels. Brussels became the headquarter of European Union. One more question. European Union का headquarter कौन सी जगह बनी? Brussels. Brussels became the headquarter of European Union. So this is about the ethnic variation of Belgium. अब Belgium के लिए क्या क्या learn करना है? Capital city. कहाँ का हेडक्वार्टर है ये बेल्जियम की कैपिटल सिटी? हेडक्वार्टर कहाँ की? यूरोपियन यूनियन. हेडक्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन श्रीलंका है. ब्रुसेल्स है. आप बताओ कौन सी प्लेस है? ब्रुसेल्स. तो बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स. टू रीजन्स बेलोनिया एंड कौन? बेलोनिया रीजन में रहते थे फ्रेंच स्पीकिंग एंड डच स्पीकिंग. लिव इन विच रीजन? फ्लेमिश. फ्रेंच स्पीकिंग की आप बताओ परसेंटेज 40. Dutch speaking in country and German speaking in country 1%. In capital city Brussels 80% French speaking and 20% Dutch speaking. So government ne pehle rights kisko diya? Aise wale question banenge 1 mark French speaking. And this was not tolerated by. This was not tolerated by. Kisse ye baat tolerate nahi hui thi? So this is about the ethnic variation of Belgium. Ab aa gaya. कब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की? 1972-1993. हाउ मेनी टाइम्स दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन? 4 टाइम्स. व्हाई दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन? बिकॉज़ देयर वाज टेंशन. देयर वर क्लैशेस बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग बिकॉज़ बेल्जियन लीडर्स शेयर्ड पावर्स ओनली विद फ्रेंच स्पीकिंग. दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय डच स्पीकिंग. तो वहां पे प्रॉब्लम तो होनी थी. बट बेल्जियन लीडर्स सॉल्व द क्लैशेस एंड कन्वर्टेड इट इन मेंटेन्ड पीस इन देयर कंट्री ओनली बाय फॉलोइंग विच पाथ? कौन सा पाथ अडॉप्ट किया था? अकोमोडेशन पाथ. लर्न द पाथ अकोमोडेशन पाथ. इज इट क्लियर? पूछ सकते हैं. अकोमोडेशन पाथ मींस पावर शेयर की. इंडिया हैज आल्सो फॉलोड अकोमोडेशन पाथ. पावर शेयर कर ली उन्होंने. तो नेक्स्ट इज श्रीलंका. अब आ जाएगी एथनिक वेरिएशन ऑफ श्रीलंका. बेल्जियम का मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम होनी चाहिए. आपको उनके रीजन, कैपिटल सिटी, नेबरिंग कंट्रीज. नेबरिंग कंट्रीज पता ना? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लक्समबर्ग. किस स्टेट से इंडिया की कंपेयर किया उन्होंने? हरियाणा. हरियाणा से हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है वहां की. और हरियाणा से भी छोटी कंट्री, वो हमारी स्टेट है, उनकी कंट्री है. बट वो कंट्री हरियाणा हमारी स्टेट से भी छोटी है. एंड कहाँ की कंट्री है? किस कॉन्टिनेंट की है? यूरोप. स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप. नेक्स्ट श्रीलंका. श्रीलंका तो पता ही है विच कॉन्टिनेंट में. आप बताओगे? बताओ जल्दी. कॉन्टिनेंट एशिया. इंडिया इज नॉट अ कॉन्टिनेंट. हार्दिक, चलो श्रीलंका. श्रीलंका की एथनिक वेरिएशन. फर्स्ट ऑफ ऑल तो श्रीलंका को फ्रीडम कब मिली? 1948. मींस इंडिया के एक साल बाद.
अब ये क्वेश्चन वन मार्क में पूछा जा सकता है, इन विच ईयर श्रीलंका गॉट फ्रीडम, श्रीलंका गॉट फ्रीडम इन 1948। अब इसके बाद आपके बन जाने हैं एथनिक वेरिएशन, वहां की 74% सिन्हालास, 74% सिन्हालास, 74% सिन्हालास, सिन्हाला लैंग्वेज है सिन्हालास। फिर वहां पे थे 18% तमिल, फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 13% श्रीलंकन तमिल एंड 5% इंडियन तमिल। तो अपने आप देखो 18 बन गया, 13 and 5, एंड 7% क्रिश्चियंस। अब देखो कितना बचा, ओनली 1% मुस्लिम्स। सो दिस इज द एथनिक वेरिएशन ऑफ श्रीलंका, 74% सिन्हालास, 18% तमिल, तमिल वर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, 13% श्रीलंकन तमिल, 5% इंडियन तमिल एंड 7% क्रिश्चियंस, 1% मुस्लिम्स। 1% कौन है? मुस्लिम्स। अब रिलीजन ऑफ सिन्हालास बुद्धिज्म, तमिल में भी हिंदू और मुस्लिम्स, तमिल या तो हिंदू थे या मुस्लिम्स थे, क्रिश्चियंस तो पता ही है बाकी। तो मेन रिलीजन 74% लोगों का रिलीजन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म इज द मेन रिलीजन ऑफ श्रीलंका, वहां का स्टेट रिलीजन है बुद्धिज्म। तो सिन्हाला लैंग्वेज बिकेम द मेन लैंग्वेज। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया इन 1956, ईयर यू हैव टू लर्न, इन 1956 सिन्हाला लीडर्स श्रीलंकन गवर्नमेंट पास्ड एन एक्ट, एक एक्ट पास किया एंड फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म। फॉर एग्जांपल बेल्जियन लीडर्स फॉलोड अकोमोडेशन पास, सिन्हाला लीडर्स फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म। नाउ व्हाट्स मेजोरिटेरियनिज्म? इन विच मेजोरिटी कैन डोमिनेट माइनॉरिटी, मेजोरिटी माइनॉरिटी को डोमिनेट कर सकती है, ठीक है। तो उन्होंने ये वाला पार्ट, अब मेजोरिटी में कौन है? सिन्हाला, मीन्स वो इनको डोमिनेट कर सकते थे वहां पे, दे फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म। उन्होंने अकोमोडेशन पाथ फॉलो नहीं किया, पावर डिवाइड नहीं की, followed majoritarianism. In which year act was passed in Sri Lanka and majoritarianism was followed? 1956. In which year Sri Lanka got freedom? 1948 में उन्हें freedom मिली, ठीक है। And who were in majority in Sri Lanka? Sinhalas. Percentage पूछ सकते हैं, how much percent Christians were there in Sri? Main religion of Sinhalas Buddhism. Language Sinhala. So 1956 act was passed by Sri Lankan leader and they followed majoritarianism and they gave all rights, all higher jobs, all facilities to Sinhalas. Sinhalas ko didi. Sinhala became the official language of Sri Lanka. One more question, which language became the official language of Sri Lanka? Sinhala. And Buddhism became the main religion of Sri Lanka. One more question, which, after passing an act, which religion became the main religion of Sri Lanka? Buddhism. So these people were ignored. Tamil demanded that with Sinhala, Tamil should also make official language. इन्होंने कहा सिन्हाला तो आपने official बनाई, तमिल को भी official language बनाओ. But there were clashes. अब इनमें clashes हो गए. And due to these clashes, Tamil demanded, अब इतने clashes इनके बढ़ गए, Tamil demanded Elim, separate state for Tamils. In 1980 they demanded Elim. Elim इन्होंने मांगी, Elim means separate state for Tamil. Elim they demanded. In which year they demanded Elim? 1980 में इन्होंने Tamils ने क्या मांगा? Elim. Elim means separate state for Tamil. But they were totally ignored. किसी ने नहीं सुना. So this led to civil war. क्योंकि ये तो follow करके बैठे थे majoritarianism and they ignored them. क्योंकि ये माइनॉरिटी में थे, दे डोमिनेटेड दम, चाहे ये प्रोटेस्ट करते रहे, नो वन बॉदर्ड। तो ड्यू टू दिस सिविल वार अकर्ड इन श्रीलंका, श्रीलंका में सिविल वार हुई, वहां पे कितना लॉस हुआ, मैनी पीपल लॉस देयर लाइफ, ह्यूज प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड। एंड बाद में जाके सारा सिस्टम इनका सेटअप जब हुआ ना, तो वो 2009
2009 में प्रॉपर जाके सारा कल्चरल इकोनॉमिक जो ड्रॉबैक्स थे वो 2009 में जाके सेटअप हुए इनके। इतना लॉस हुआ है इन्हें सिविल वॉर का, 2009 में जाके प्रॉपर इनका सिस्टम सेटअप हुआ है श्रीलंका का। मीन्स एक मेजोरियनिज्म ने इनको इतना डाउन कर दिया, ठीक है, जबकि उनके कंट्री में बेल्जियम में भी क्लैशेज हुए थे बट दे फॉलोड बीच पा अकोमोडेशन पा। तो इट मीन्स इस वजह से आप इसको कर सकते हो। यहाँ की एथनिक वेरिएशन पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, 74%, 18%, 13%, 5%, 7%, 1%। इनका रिलीजन पता होना चाहिए, इनका भी मुस्लिम थे या फिर ये हिंदू थे। तो इस वजह से कौन से स्टेट मांगी तमिल ने, इलेम। इलेम मीन्स सेपरेट स्टेट फॉर तमिल। तो दे वर टोटली इग्नोर्ड ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंड इन श्रीलंका सिविल वार। व्हाट डू मीन बाय सिविल वार? क्या ये कंट्रीज में होती है क्या, एक ही कंट्री के लोगों में होती है? व्हेन देयर इज वार बिटवीन द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स ऑफ द सेम कंट्री, एक ही कंट्री के लोगों में जब वार हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? सिविल वार। When there is war between people of different social groups of the same country, that is called civil war. और इस civil war में इनको बहुत ज्यादा loss हुआ था और जाके 2009 में सारा system इनका setup हुआ। कब इलेम मांगा? 1980। तो learn these four one mark questions। कौन सी year में freedom मिली? 1948। In which year they passed act? 1956। So these are the questions, one mark questions can be framed from here. And here one cartoon is also given, आपको वो भी learn करना है। European Union Parliament कहाँ पे है? European Union Parliament, that is in Brussels, ये देखो। European Union Parliament is in Brussels, learn these please. ये जितने इसमें cartoons बने हुए हैं ना, you have to learn. एक और आगे जाके कार्टून दिया हुआ है ये यहाँ पे। इन 2005 सम न्यू लॉज वर मेड इन रशिया। कौन से ईयर में रशिया में न्यू लॉ पास हुए थे दैट गेव मोर पावर्स टू द प्रेजिडेंट ऑफ रशिया? रशिया के प्रेजिडेंट को कब ज्यादा पावर्स मिली? इन विच ईयर द लॉ वॉज पास? इन 2005। रशिया में रशिया के प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर्स मिल गई बाय विच लॉ? कौन सा लॉ पास हुआ था, कौन सा एक्ट पास, किस ईयर में पास हुआ था? 2005। अब ड्यूरिंग द सेम टाइम यूएस प्रेसिडेंट विजिटेड रशिया अकॉर्डिंग टू दिस कार्टून। अब इस कार्टून को देखे आपको पूछ सकते हैं कि आपको इससे क्या समझ आया। इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स? According to the cartoon, वो कहते हैं आपको क्या समझ आया? There is relationship between democracy and concentration of powers. Democracy and concentration of power. We got a keep that rain tight Vladimir, वहां का प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, पता है ना? तो ये आपको कार्टून भी पढ़ने हैं। कौन से ईयर में रशियन प्रेसिडेंट को ज्यादा पावर मिली? 2005। कौन से ईयर में यूएस के प्रेसिडेंट रशिया गए? 2005। अब ये कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर्स। तो आपको इस बेसिस को लर्न करना है। आप कैसे कहोगे इन इंडिया पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स? हाउ कैन यू से इन इंडिया पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट? बिकॉज इन इंडिया क्यों सोशल ग्रुप्स में पावर डिवाइडेड है? बिकॉज सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एसटी। नेम एनी अदर कंट्री एक्सेप्ट इंडिया जहाँ पे आप कहोगे पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन सोशल ग्रुप्स। कौन सी और कंट्री है? बेल्जियम। थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट वॉज सेटअप इन बेल्जियम ना। तो आपको मैं टू कंट्रीज बताती हूँ जहाँ पे सोशल ग्रुप्स में पावर आर डिवाइडेड, इंडिया एंड। अगर मैं पूछू हर एक एग्जाम्पल बेस्ट काइंड ऑफ पावर शेयरिंग कहाँ पे है? इंडिया। इंडिया में हम कहेंगे पावर्स आर डिवाइड। अगर मैं पूछूं ऑर्गन्स हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर में पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन, हॉरिजॉन्टल में किस में पावर्स बढ़ जाती हैं बताओ? लेवल्स में और ऑर्गन्स में? हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल देखो एक मिनट, एक और वे से लर्न कराऊं, ये कभी गलत नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर अगर आ जाए ना तो याद रखना ऑर्गन्स, इसको याद रखो ऑर्गन्स।
हॉरिजॉन्टल में पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन ऑर्गन्स कौन से हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड, अगर वर्टिकल आए तो, वर्टिकल आए तो ये लेवल्स, लेवल्स में वर्टिकल में किस में डिवाइडेड है, लेवल्स में, सेंट्रल, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, वर्टिकल में किस में डिवाइडेड है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, हॉरिजॉन्टल में किस में डिवाइडेड है, ऑर्गन्स, कभी गलत नहीं होगा, अगर ऐसे लर्न करोगे ओ आर आपको दिख ही है, हॉरिजॉन्टल में पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, विच आर द ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, बच्चे अगर ऑर्गन्स ही सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट कर देंगे देन दे विल गेट जीरो, आपने पहचानना भी तो कईयों ने गलत होता है ना, हॉरिजॉन्टल में पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स, विच आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, वर्टिकल में पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन लेवल्स, लेवल्स कौन से हैं, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट, एंड दिस काइंड ऑफ डिवीजन इज फाउंड इन इंडिया, हर तरह की डिवीजन इंडिया में, सोशल ग्रुप्स वाली डिवीजन भी इंडिया में, हाउ कैन यू से इन इंडिया पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कैसे कहोगे इंडिया में पावर्स आर डिवाइडेड, क्योंकि उन्होंने वुमेन की सीट्स फिक्स की हैं कि एससी एसटी की सीट्स फिक्स की हैं, एससी एसटी की सीट्स डिफरेंट, हाँ दोनों की आ जाएंगी, एससी एसटी की सीट्स फिक्स की हैं, तो इसलिए हम थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट कहाँ पे सेटअप हुई थी, बेल्जियम, तो इस वजह से आप इस टॉपिक को करोगे, नेक्स्ट इज हाउ कैन यू से देयर इज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस का मतलब क्या है, किसकी पावर्स बैलेंस्ड हैं, पावर्स आर बैलेंस्ड इनकी के इसकी, इसकी पावर्स आर बैलेंस्ड, इधर नहीं है, इधर तो सेंट्रल 97 सब्जेक्ट्स पे लॉ बना रहा है, स्टेट सिर्फ 66 पे बना रही है, इधर पावर्स आर बैलेंस्ड, इधर सेपरेशन भी है, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, क्योंकि इधर अगर सेंट्रल लॉ बना रहा है तो स्टेट भी लॉ बना रहा है अपनी स्टेट के लिए, इधर सेपरेशन है, सेपरेशन क्यों है, क्योंकि एक ऑर्गन ने सिर्फ लॉ बनाने हैं, दूसरे ने उन्हें इंप्लीमेंट करना है, तीसरे ने चेक करना है, देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, कौन कहां पे सेपरेशन ऑफ पावर इज देयर, हॉरिजॉन्टल में, ऑर्गन्स में देयर इज सेपरेशन ऑफ पावर, वर्टिकल में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, वेयर पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, वर्टिकल में पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू सेंट्रल, लोकल को दे रहा है पावर अपनी कुछ, सम ऑफ द पावर्स, ठीक है ना, तो कहां पे पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल, वर्टिकल, कहां पे पावर्स आर बैलेंस्ड, यहां पे, कहां पे नो अनलिमिटेड पावर्स आर गिवन, हॉरिजॉन्टल में, वेयर इज सिस्टम, हाउ कैन यू से देयर इज सिस्टम ऑफ चेक, इधर क्यों है सिस्टम ऑफ चेक, बिकॉज जजेस ऑफ जुडिशरी, जजेस ऑफ जुडिशरी अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, प्रेजेंट इज द पार्ट ऑफ executive, keeps an eye on the functioning of legislature, judges of judiciary are appointed by executive, keeps an eye on the functioning of legislature, so in this way we can say there is system of check also, powers are balanced, unlimited powers nahi di hui, either powers are not balanced, either balanced hai, either powers are distributed from higher to lower level, there is separation of पावर, तो इस वे से आपको इनको लर्न करना है, सब कुछ पता होना चाहिए आपको, सोशल ग्रुप्स, टू कंट्रीज हैं इंडिया एंड बेल्जियम, बेल्जियम में हम कैसे कहेंगे पावर्स आर डिवाइडेड गिवन टू द पीपल ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, बिकॉज दे सेट अप विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट, थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट, दैट वाज, हाँ दैट वाज कम्युनिटी गवर्नमेंट बेस्ड ऑन लैंग्वेज, सो लर्न लाइक दिस, एंड देन आपके टू रीजंस हैं, टू रीजंस ऑफ पावर शेयरिंग, फर्स्ट इज प्रूडेंशियल रीजंस एंड देन मोरल रीजन, तो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं व्हाई व्हिच पाथ इज बेटर, यू हैव डन टू पाथ अकोमोडेशन एंड मेजोरिटेरियनिज्म, व्हिच पाथ इज बेटर, अकोमोडेशन पाथ, व्हिच कंट्री फॉलोड दिस पाथ, बेल्जियम, व्हिच कंट्री फॉलोड मेजोरिटेरियनिज्म, श्रीलंका, व्हाट वाज द रिजल्ट, वहां पे पीस मेंटेन हुई कि सिविल वॉर, सिविल वॉर, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस आपके फ्रेम हो जाने हैं, ठीक है, तो लर्न लाइक दिस।